अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में ख्वाब में शादी देखना, अपनी शादी देखना या किसी और की देखना, पहली देखना या दूसरी देखना, इन तमाम ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाला हूँ। पहला ख्वाब है शादी देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में शादी होते हुए देखी है, अपनी शादी होते हुए देखी है और ख्वाब देखने वाला कवारा है, गैर शादीशुदा है, तो उसकी ताबीर ये है कि इस ख्वाब देखने वाले का या वाली का जल्दी निकाह हो जाएगा और ये इस दिवाजी ज़िंदगी में आ जाएगा या आ जाएगी। और अगर यही शादी होने का ख्वाब किसी बीमार ने देखा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की मौत वाकई होगी, उसकी ज़िंदगी का टाइम पूरा हो चुका है, अब वो आलम बरज़ख की जानिब यानी मौत की आगोश में आने वाला है। और अगर यही शादी होने का ख्वाब कोई शादीशुदा देखे तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में खुशियाँ खूब आएंगी। तो ये हुई ख्वाब में शादी देखने की ताबीर। दूसरा ख्वाब है दूसरी शादी देखना। किसी शख्स ने जो पहले से शादीशुदा है या कोई औरत कोई लड़की जो पहले से शादीशुदा है अपनी दूसरी शादी होते हुए देखी है तो इसकी ताबीर ये है कि अगर निकाह और रुख्सती देखी है तो दुनियावी तरक्की और फरावानी नसीब होगी। अगर उसने शादी में निकाह भी देखा है, रुख्सती भी देखी है, सिर्फ रस्म रवाज नहीं देखा है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इस ख्वाब देखने वाले को दुनियावी तरक्की यानी माल एतबार से इजाफा और इसी तरीके पर माली एतबार से फरावानी नसीब होने की जानिब इशारा है। और अगर सिर्फ बारात देखी है, निकाह रुख्सती नहीं देखा, रस्म व रवाज देखी है, तो फिर ये ख्वाब अच्छा नहीं है बल्कि किसी परेशानी में मुबतला होने की अलामत और निशानी है ख्वाब देखने वाले के। अगर निकाह और रुख्सती नहीं देखा है तो फिर ख्वाब देखने वाला किसी आफत और परेशानी का शिकार हो सकता है। तीसरा ख्वाब है शादीशुदा औरत का दूसरी शादी देखना। कोई शादीशुदा औरत है और उसने अपना दूसरा निकाह दूसरी शादी होते हुए देखी है तो उसके ताबीर ये है कि उसका अगर उसका दूसरा शोहर है और उसने उससे शादी होते हुए नहीं देखी यानी शादी होते हुए नहीं देखी बल्कि सिर्फ दूसरा शोहर देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाली इज्जत पाएगी और उसके मर्तबे में उसकी शान और शौकत में इजाफा किया जाएगा। दोस्तों ये हमने आप हजरात की खिदमत में शादी से मुतालिक तीन अहम ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं। फिर फ्राइडे का वेट करें, इंशाअल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।